हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं क्रेटोस का कंपैरिजन हेला से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें क्रेटोस के ओरिजिन की, तो बेसिकली क्रेटोस एक गेमिंग कैरेक्टर है और क्रेटोस का जन्म हुआ था ग्रीस की एक सिटी स्पार्टा में और क्रेटोस की मां का नाम था कैलिस्टो और क्रेटोस के पिता थे ज्यूस। और बेसिकली क्रेटोस एक डेमी गॉड है, यानी आधा इंसान और आधा देवता। और आप ये भी समझ सकते हैं कि क्रेटोस ज्यूस का नाजायज़ बेटा है। और जब ये बात ज्यूस की असली वाइफ हेरा को पता चलती है, तब हेरा क्रेटोस को बचपन में ही मारने की कोशिश करती है, मगर ज्यूस उसे बचा लेते हैं। और कुछ टाइम बाद क्रेटोस और उसका भाई डेमियस दोनों स्पार्टा की सेना में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन एक दिन ज्यूस को पता चलता है कि एक दिन उसी का एक बेटा उसे मारने वाला है, इसलिए ज्यूस गॉड ऑफ वॉर एरिस को हुक्म देता है कि उसके बच्चों को मार दिया जाए। बट क्रेटोस के धोखे में एरिस डेमियस को मार देता है। और जब ये बात क्रेटोस को पता चलती है, तब क्रेटोस एरिस से नफरत करने लगता है। बट कुछ टाइम बाद क्रेटोस ये बात भी भूल जाता है और बारबेरियन वॉर के दौरान लड़ाई जीतने के लिए क्रेटोस ज्यूस से मदद मांगता है और क्रेटोस की मदद के लिए ज्यूस एरिस को भेजते हैं और क्रेटोस जीत जाता है और इसके बदले में क्रेटोस एरिस की सेवा करने लगता है। बट एक दिन एरिस क्रेटोस की वाइफ और उसकी बेटी को मरवा देता है और जब ये बात क्रेटोस को पता चलती है, तब क्रेटोस एरिस का साथ छोड़ देता है। तो अब अगर बात करें हेला के ओरिजिन की, तो हेला ओडिन की पहली संतान है, लेकिन ओडिन के लिए हेला किसी जल्लाद से कम नहीं थी। बेसिकली हेला की मदद से ओडिन ने नाइन रियल्म्स को कॉन्कर किया, लेकिन थॉर के जन्म के बाद ओडिन डिसाइड करते हैं कि अब से वो नाइन रियल्म्स को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन हेला को ओडिन की बात हजम नहीं होती और तब हेला एसगार्ड और ओडिन पर अटैक कर देती है, लेकिन हेला मौत की देवी थी, इसलिए एसगार्डियंस और वैल्करीज हेला को मारने में फेल हो गए। और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब ओडिन अपने पावर से हेला को हेल में कैद कर देते हैं। स्पीड, तो अगर बात करें हेला के स्पीड की, तो हेला के पास है टेलीपोर्टेशन की पावर, जिसकी मदद से हेला खुद को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकती है। पर इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये पावर हेला के पास है भी या नहीं। तो स्पीड के मामले में क्रेटोस भी कुछ कम नहीं है, पर पहले क्रेटोस के पास कुछ ज़्यादा स्पीड नहीं थी। पर जब क्रेटोस ने हर्मीस को हराया, जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता था, तो उसे हराने के बाद से क्रेटोस भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगा। लेकिन ये पावर उसके अंदर नहीं है, बल्कि उसके पास हर्मीस जो कि गॉड ऑफ मैसेंजर भी था उसके बूट्स है, इसलिए क्रेटोस हवा में उड़ सकता है। स्ट्रेंथ, तो क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट, एजिलिटी, एंड्योरेंस, सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। क्रेटोस कई लड़ाइयाँ भी लड़ चुका है, इसलिए क्रेटोस के पास अनलिमिटेड बैटल्स का एक्सपीरियंस है, जो कि उसे एक एडवांटेज देता है। साथ ही क्रेटोस की मेन स्ट्रेंथ है उसका गुस्सा, और कहा जाता है कि क्रेटोस किसी भी अपोनेंट को हराने का प्लान काफ़ी जल्दी बना लेता है। तो अब अगर बात करें हेला के स्ट्रेंथ की, तो हेला के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, हीलिंग पावर और वेपन मास्टरी। हेला टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एस्गार्डियंस में से एक है, और जब हेला उसका क्लोब पहनती है, तब हेला टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट एस्गार्डियंस में से एक बन जाती है। साथ ही हेला वाइट मैजिक से पूरी तरह से इम्यून है। हेला अपने लिमिटलेस एस्ट्रल फॉर्म्स क्रिएट कर सकती है। साथ ही हेला की उंगलियों से एक ऐसी एनर्जी निकलती है जिसका यूज़ करके हेला किसी भी एस्गार्डियन को सिर्फ अपने एक टच में ही मार सकती है। हेला अपने एक टच से किसी भी मोर्टल की सोल को हेल में ट्रैप भी कर सकती है। और हेला हमेशा ग्रीन कलर का एक ग्लोब पहने रहती है, जिसकी वजह से हेला की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। हेला की आधी बॉडी डेड है और आधी बॉडी जिंदा है, और अपने मिस्टिकल पावर से हेला अनलिमिटेड नेक्रोस्वॉर्ड्स भी अपने बॉडी से रिलीज कर सकती है। ड्यूरेबिलिटी,
तो हेला के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से हेला को फिजिकल इंजरी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हेला इतनी ज़्यादा ड्यूरेबल है कि उसने वैल्करीज की पूरी आर्मी का भी सफाया किया है, और हेला ने उरु मेटल से बने थॉर के मोस्ट पावरफुल वेपन म्योनिर को भी तोड़ दिया था। और उरु मार्वल यूनिवर्स का अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेटल है। साथ ही हेला ने थॉर की मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को भी सर्वाइव किया है, पर इसका भी हेला पर कोई भी असर नहीं हुआ। तो अब अगर बात करें क्रेटोस के ड्यूरेबिलिटी की, तो क्रेटोस के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से क्रेटोस ने गॉड ऑफ मैसेंजर हर्मीज को थका थका के मार दिया था, गॉड ऑफ वॉर एरिस को भी ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद से ही क्रेटोस को गॉड ऑफ वॉर कहा जाने लगा। साथ ही क्रेटोस के पास है ब्लेड ऑफ हेड्स, जिसकी मदद से क्रेटोस सोल्स को मैनिपुलेट और कंट्रोल भी कर सकता है। क्रेटोस ने एक फाइट के दौरान माउंट ओलंपस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ सारे ग्रीक गॉड्स रहते हैं, जैसे ज्यूस, पोसाइडन और हरक्यूलिस। साथ ही क्रेटोस सभी ग्रीक गॉड्स को भी हरा और मार चुका है। इसके अलावा क्रेटोस के पास है ब्लेड ऑफ ओलंपस, जिससे क्रेटोस एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकता है, और ये एनर्जी ब्लास्ट डिवाइन एनर्जी से चार्ज होते हैं। इसके अलावा क्रेटोस के पास कई सारे असाधारण वेपन्स भी हैं, जो कि नामुमकिन को भी मुमकिन करने की ताकत रखते हैं, जैसे ब्लेड ऑफ ओलंपस, ब्लेड ऑफ एथीना, ब्लेड ऑफ एक्साइल, गार्डियन शील्ड, ओथ स्टोन, जिससे क्रेटोस सेल्फ डुप्लीकेशन भी कर सकता है, ब्लेड ऑफ केयॉस, जो कि किसी भी बींग को मारने की ताकत रखती है। साथ ही क्रेटोस के पास है मेड्यूसा का सर, जिसे देखने वाला पत्थर का बन जाता है, चाहे वो एक गॉड ही क्यों ना हो। वीकनेसेस, तो क्रेटोस की कोई भी बड़ी वीकनेस नहीं है, पर उसी की वजह से उसकी फैमिली मारी गई थी, इसलिए इस बात से क्रेटोस कभी कभी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस मामले में हेला की भी कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, पर कभी हेला का क्लोब उससे दूर किया जाए तो हेला अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन नहीं कर पाएगी। साथ ही ओडिन फोर्स और डार्क मैजिक से हेला को हेल में कैद किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्पीड के मामले में हेला क्रेटोस से आगे है, क्योंकि हेला के पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, और टेलीपोर्टेशन को लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट माना जाता है। पर फिर भी हम इस बैटल में हेला के टेलीपोर्टेशन वाले पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हेला सचमुच टेलीपोर्ट कर सकती थी तो उसे बायफ्रॉस्ट की तलवार क्यों चाहिए थी। पर इस पॉइंट के लिए हमारे एक सब्सक्राइबर फहीम आरएक्स ने कहा है कि हेला को बायफ्रॉस्ट की तलवार इसलिए चाहिए थी ताकि वो अपनी आर्मी को भी टेलीपोर्ट कर पाए, और ये थ्योरी काफ़ी इम्प्रेसिव भी लगती है। बट टिल दी एंड ये है तो एक थ्योरी ही, इसलिए हमें कन्फर्मली इस बात के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए हम इस पॉइंट को डिस्कस नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ में दोनों इक्वल है, क्योंकि दोनों की पूरी स्ट्रेंथ अब तक रिवील नहीं हुई है, और हेला के फैंस को लग सकता है कि हेला तो अपने एक टच से ही किसी को भी मार सकती है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। पर इस पावर का असर गॉड्स पर नहीं होता, बट क्योंकि क्रेटोस एक डेमी गॉड है, इसलिए इस पावर का असर क्रेटोस पर हो भी सकता है और नहीं भी। ड्यूरेबिलिटी में क्रेटोस हेला से आगे है, क्योंकि क्रेटोस ने ओलंपियन गॉड्स को ना ही सिर्फ हराया है बल्कि उन्हें मारा भी है। साथ ही क्रेटोस के पास है मेड्यूसा का सर, जिसे देखने वाला हमेशा के लिए पत्थर का बन जाता है, चाहे वो एक गॉड ही क्यों ना हो। तो अब फाइनली क्रेटोस के पास एक पॉइंट है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि क्रेटोस हेला को हरा सकता है, क्योंकि अगर क्रेटोस ने गॉड्स को मारा है तो थॉर रैग्नारोक में हाइमडाल ने कहा था कि अगर हेला को रोका नहीं गया तो वो पूरे ब्रह्मांड को ही निगल लेगी, और जब तक एस्गार्ड रहेगा हेला के पावर्स बढ़ते ही रहेंगे। तो इस बैटल का विनर वही होगा जो आप चाहेंगे, और इसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, ऊपर आई बटन चल रहा है, बस उस पर अपना वैल्यूएबल वोट देना है। जिस भी कैरेक्टर को ज़्यादा वोट होंगे वही होगा इस बैटल का विनर। और इस बैटल में मैंने मेरा वोट इसलिए नहीं दिया है क्योंकि हम ये कंपैरिजन एक गेमिंग कैरेक्टर के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो होप श्योर कि आप मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।